दोस्तों, अगर आप टीवी देखना पसंद करते हैं या अपने फेवरेट शो टीवी पे देखते हैं या कोई भी लाइव इवेंट देखते हैं, तो आपने जरूर नोटिस करा होगा आपके टीवी स्क्रीन पे कुछ नंबर्स लिखे आते हैं कभी कभी। आखिर वो नंबर्स होते क्या है, उन नंबर से क्या फ़ायदा होता है ब्रॉडकास्टर को, तो क्या वो चीज़ आपके लिए खतरनाक है या नहीं है, जाने के इस वीडियो में हम। देखते रहे इस वीडियो मेरे साथ, मैं हूँ मनोज और आप देख रहे हैं चैकी टीवी। तो जब भी आप टीवी पे कोई लाइव इवेंट देख रहे हैं या फिर अपना फेवरेट शो देख रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो बीच बीच में आपने नोटिस करा होगा कुछ नंबर्स आपके स्क्रीन पे लिखे आते हैं। तो इन नंबर्स होते क्या है, कुछ लोग कहते हैं फिंगरप्रिंट्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ कोड्स होते हैं, तो हम इस वीडियो में उनको कुछ कोड्स के नाम से जानेंगे। तो ये जो कोड्स होते हैं, आखिर उनका मतलब क्या होता है, वो क्यों आपकी टीवी स्क्रीन पर शो होते हैं। तो बेसिकली जब कोई ब्रॉडकास्टर अपनी चीज़ें ब्रॉडकास्ट करता है, मान लीजिए वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है एक लाइव इवेंट जो हो सकता है, एक क्रिकेट मैच या कोई भी मैच या कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट या फिर कोई प्रोग्राम हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो आपके टीवी स्क्रीन पे जब वो आता है, उससे पहले वो आपके डीटीएच मतलब कि आपके जो सेट ऑफ बॉक्स लगा होगा, इसके थ्रू आपके टीवी स्क्रीन पे शो होगा। तो आपके सेट ऑफ बॉक्स का एक नंबर होता है बेसिकली, तो जो आपको जान पाए, जिससे आप कोई चीज़ रिचार्ज कराते हैं, वो उसी कार्ड पर रिचार्ज होता है, जैसे एक टेलीफोन का नंबर होता है, उसी तरीके से एक सेट ऑफ बॉक्स का नंबर आप समझ सकते हैं। तो ये नंबर जब भी कोई ब्रॉडकास्ट चीज़ करता है, तो बीच बीच में रिक्वेस्ट करता है वो चीज़ आपकी टीवी स्क्रीन पर शो करने के लिए, जो नंबर है आपके सेट ऑफ बॉक्स का, बीच बीच में वो शो के बीच में शो करे। वो कहीं भी रैंडम पोजीशन पर शो कर सकता है, ज़रूरी नहीं एक पार्टिकल पोजीशन पर शो करे। तो अब फ़ायदा क्या होता है वो नंबर शो कराने का, ब्रॉडकास्टर को क्या फ़ायदा मिलता है? तो ब्रॉडकास्टर जब भी वो रिक्वेस्ट करता है और आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर आता है, तो कुछ लोग होते हैं वो टीवी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पायरेसी करते हैं। जैसे कोई लाइव इवेंट हुआ, कोई भी कोई मैच या कोई भी क्रिकेट मैच आ रहा है, जैसे आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है या फिर कोई भी इस तरीके की चीज़ें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद कोई नेट पे डाल देगा, यूट्यूब पे डाल देगा या फिर इस तरह के जब भी कहीं भी डाल सकता है वो, जिससे पायरेसी हो जाती है और ब्रॉडकास्टर का काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसके पूरे राइट्स है वो, और कोई और उसकी चीज़ अपलोड कर रहा है वो फ़ायदा कर रहा है, बल्कि पूरे राइट्स ब्रॉडकास्टर के हैं। तो इसको बिल्कुल बैलेंस रखने के लिए, कौन उनकी चीज़ों को इल्लीगली तरीके से लोगों तक पहुंचा रहा है, तो इसलिए वो नंबर जो शो होता है, तो वो साथ साथ तब भी रिकॉर्ड हो जाएगा जब आप टीवी स्क्रीन पे कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होगे। तो जैसे आपने कोई मैच रिकॉर्ड करा, उसके बीच में वो नंबर भी आ गया और आपने वो अपलोड कर दी कुछ साइट्स पे, तो उस साइट्स पे अगर उनको पता लग गया कि आपने यहाँ पे अपलोड कर रखी है, तो मैच को बस उन्हें या जो भी प्रोग्राम है उनको डाउनलोड करेंगे, देखेंगे उस पे क्या बीच में आईडी शो हो रखी है, फिर आईडी से ट्रैक करेंगे कि सेट ऑफ बॉक्स का जो ये नंबर बीच में शो करा है या फिर जो आपका डिवाइस का नंबर है बीच में शो करा है, तो किसका है। इससे उन्हें हेल्प मिल सकती है समझने के लिए और पहचानने के लिए कि कहाँ से वो चीज़ पायरेसी स्टार्ट हुई है, ताकि वो चीज़ उसे ख़त्म कर सके और इससे उनका और नुकसान ना हो। तो बेसिकली एक ट्रैक करने की जैसे चीज़ मान सकते हैं, जैसे कोई लोकेशन की एक आईडी दे दी है, तो आपके सेटअप बॉक्स की एक आईडी मिल चुकी है, जिससे वो समझ सके कि अगर कोई चीज़ उनकी रिकॉर्ड करके कई बार फैलाता है, कि कहाँ से वो चीज़ फैलाई गई है। तो ये चीज़ होती है वो नंबर का मतलब, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप जान पाए होंगे कि क्या होता है वो नंबर और किस लिए शो करा जाता है वो नंबर। तो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि ब्रॉडकास्टर ट्रैक कर सके अगर कोई और उनका मैच या कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी ब्रॉडकास्ट करी हुई चीज़ को कई और फैलाता है, सीधा रिकॉर्ड और अपलोड करता है कई और, उससे वो ट्रैक कर सके और वो चीज़ टर्मिनेट करे या फिर जो भी उनका डिसीजन होगा वो उसी हिसाब से ले सके। तो बेसिकली वो चीज़ ट्रैक कर सके वो चीज़ कौन सी पार्टिकुलर लोकेशन से पायरेसी फैलाई गई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह की और वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है और काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं, फिर जाके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही होती है इस वीडियो की एंडिंग, और मिलेंगे अगली वीडियो में।